हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तनु। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दाल पकवान, सिंधी फेवरेट फूड, मेरा भी फेवरेट है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह हमारे इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए 2 बाउल ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा, 1 बाउल व्हीट फ्लोर, 1/2 बाउल सूजी, 1 टीस्पून क्रश्ड अजवाइन एंड जीरा, 1/4 बाउल देशी घी एंड सॉल्ट। अब हम बाउल ले लेंगे। बाउल में आटा डाल देंगे, मैदा डाल देंगे, सूजी डाल देंगे, देशी घी डाल देंगे और क्रश जीरा एंड अजवाइन डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो रेडी कर लेंगे। हम पूरी जैसा डो रेडी करेंगे। देखिए, पूरी जैसा डो रेडी हो गया है और डो को 15 मिनट्स के लिए ढककर रख देंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं, डो सेट हो गया है। अब डो को मसल मसल कर चिकना कर लेंगे और बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 2-3 बॉल्स बना लिए हैं, ये देखिए। अब हम बॉल से पकवान बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, पकवान रेडी हो गया है। अब हम फॉक की हेल्प से एयर निकाल देंगे जिससे कि पकवान एकदम खस्ता बने, और पकवान को प्लेट में रख देंगे। एक और पकवान बेल लेंगे और उसको भी बेल कर प्लेट में रख देंगे। ये देखिए, 2-3 पकवान बना के रेडी कर लिए मैंने। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये गैस पे मैंने पैन रख दिया है और ऑयल गर्म हो गया है। अब हम उसमें पकवान डाल देंगे। ये देखिए, पकवान फ्राई हो रहा है। एक तरफ से पकवान फ्राई हो गया है, इसी तरह से दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। और ये पकवान रेडी हो गया है, हम उसको निकाल के प्लेट में रख देंगे। अब हम दाल रेडी करेंगे। बाउल ले लेंगे। बाउल में 2 बाउल चने की दाल डाल देंगे, 1/4 बाउल मसूर की धुली दाल डाल देंगे। आप मूंग की धुली दाल भी यूज कर सकते हैं। और 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके 3-4 आवर्स के लिए सोक होने के लिए रख देंगे। 3-4 आवर्स हो गए हैं, दाल अच्छे से सोक हो गई है। अब हम दाल को कुकर में डाल देंगे। दाल कुकर में डल गई है। अब हम दाल में पानी डालेंगे। पानी ऑलमोस्ट इतना डालेंगे जिससे कि दाल अच्छे से डूब जाए, ऑलमोस्ट दाल से 1 इंच ऊपर। ये मैंने प्याज ले लिया है, टमाटर ले लिया है, हरी मिर्च ले लिया और ग्रेटेड जिंजर ले लिया है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम दाल में डाल देंगे। ये देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने दाल में डाल दिए हैं। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी। अब हम कुकर को बंद करके गैस पे रख देंगे। हाई फ्लेम पे 2 विसिल लगवा लेंगे। ये देखिए, 2 विसल लग गई हैं। अब हम 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कर देंगे और फिर गैस बंद कर देंगे।
ये देखिए विसल निकल गई है कुकर में से और हमारी दाल भी बन गई है। दाल का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा थिक। दाल को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम दाल में तड़का फ्राई करेंगे। तड़का पैन मैंने गैस पे रख दिया है और 2 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया है। देसी घी गर्म हो गया है। ये मैंने मसाले ले लिए हैं। मसाले में 2 पिंच हींग, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। मसाला फ्राई हो गया है। अब हम दाल में डाल देंगे। ये देखिए दाल रेडी हो गई है। ऊपर से हरी धनिया डाल देंगे और दाल को बाउल में सर्व करेंगे। अब हम दाल को पकवान के साथ सर्व करेंगे। ये प्लेट रेडी है। प्लेट देखने में कितनी टेस्टी लग रही है और खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।